हम लाइफहैक्स में आपको आंवला के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, रात में एक चम्मच आंवला चूर्ण खाने के बाद शरीर में जो हुआ उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आयुर्वेद में आंवले को अमृत फल के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आंवला हमारे शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाता है। तो आप आंवले का मुरब्बा बनाकर, आंवले का रस बनाकर, इसका चूर्ण बनाकर या फिर इसका तेल आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यूं तो आप आंवले के बहुत सारे फायदों के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको आंवला चूर्ण के कुछ फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते हों। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। आंवले का चूर्ण। दोस्तों, आंवले को सुखाकर उसे पिसवाकर घर ही में आंवला चूर्ण बनाया जा सकता है या फिर बाजार में भी विभिन्न ब्रांड के आंवला चूर्ण मिलते हैं। चिरयौवन और दीर्घायु प्रदान करने वाला, रसायन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ, आयुर्वेद में अमृत फल नाम से संबोधित और औषधियों में श्रेष्ठ फल है आंवला। आंवला सभी ऋतुओं में सभी जगह सभी के लिए लाभदायी है। दोस्तों, आंवला विटामिन सी का राजा होने के कारण शरीर को रोगाणुओं के आक्रमण से बचाता है, शारीरिक वृद्धि में आने वाली रुकावटों को दूर करता है, यकृत के कार्यों को सुचारू रूप से चलने में मदद करता है, जीवन शक्ति को बढ़ाता है तथा दांतों और मसूड़ों को अंतिम सांस तक मजबूत बनाए रखता है। आंवले के चूर्ण में मिश्री पीसकर मिला लें। इस मिश्री का एक चम्मच एक गिलास पानी में घोलकर सुबह शाम शरबत की तरह पी लें। यह अत्यंत स्वादिष्ट, पुष्टिदायक और उत्तम पित्त शामक है। यह सप्त धातुओं की वृद्धि कर शरीर को बलवान और वीर्यवान बनाता है। दोस्तों, इसके सेवन से पित्त जनित विकार जैसे आंखों की जलन, आंतरिक गर्मी, सिर दर्द आदि तथा उच्च रक्तचाप, रक्त और त्वचा के विकार, मूत्र और वीर्य संबंधी विकार नष्ट हो जाते हैं। यह एक अत्यंत सुलभ, सस्ता और गुणकारी प्रयोग है। नव शक्ति की प्राप्ति। दोस्तों, एक महीने तक आंवले का चूर्ण नियमित रूप से घी, शहद और तिल का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से मनुष्य की बोलने की शक्ति बढ़ती है, शरीर कांतिमान हो उठता है तथा चिरयौवन प्राप्त होता है। इंद्रियों की कार्य क्षमता में वृद्धि। दोस्तों, आंवले का चूर्ण पानी, घी या शहद के साथ सेवन करने से जठराग्नि बढ़ती है, सुनने, सूंघने, देखने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है तथा दीर्घायु प्राप्त होता है। हृदय की मजबूती। सूखा आंवला और मिश्री चूर्ण सम मात्रा में एक एक चम्मच सुबह शाम सेवन करने से हृदय मजबूत होता है। दिल के वाल्व ठीक ढंग से कार्य करते हैं। हृदय रोगियों को यह प्रयोग कम से कम एक वर्ष तक नियंत्रित करना चाहिए। ऐसा करने से उनके दिल से संबंधित रोग कम हो जाएंगे। काले घने रेशम जैसे बालों के लिए। दोस्तों, 20 से 40 ग्राम सूखा आंवला 200 ग्राम पानी में रात को भिगो दें और सुबह उस पानी से बाल धो लें। आंवला मिश्री का संभाग चूर्ण पानी के साथ सेवन करें। इस प्रयोग से बालों की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और बाल चमचमाते नजर आएंगे। गर्भवती स्त्रियों के लिए। दोस्तों, हर रोज 2 नग मुरब्बा सुबह खाली पेट गर्भवती महिला को खिलाने से नॉर्मल डिलीवरी बिना किसी औषधि और चिकित्सकीय सहयोग के होता है तथा शिशु में तीव्र रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है जिसके प्रभाव से शिशु ओजस्वी और सुंदर होता है। सभी लीवर रोग के लिए। दोस्तों, आंवलों का 5 ग्राम चूर्ण सेवन करने से यकृत यानी कि लीवर के सभी दोष दूर हो जाते हैं। पेट के कीड़ों के लिए। ताजे आंवलों का रस 6 चम्मच और शुद्ध शहद 1 चम्मच मिलाकर 1 सप्ताह तक सुबह शाम खाएं। इससे निश्चित रूप से पेट के कीड़े मल के साथ बाहर आ जाते हैं। पेट के समस्त रोग के लिए। दोस्तों, आंवला चूर्ण का सेवन करने से पेट के लगभग सभी रोगों में लाभ होता है। कब्ज दूर होती है। गौमूत्र के साथ आंवला चूर्ण का अगर सेवन करेंगे तो और भी अधिक लाभ होता है। तेज और मेदा की वृद्धि।
दोस्तों आंवला चूर्ण घी के साथ रोज सेवन करने से शरीर में तेज और मेधा शक्ति की वृद्धि होती है। दीर्घायु प्राप्ति के लिए दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार 100 वर्ष तक जीने के इच्छुक व्यक्ति को हर रोज आंवला मिलाए हुए जल से स्नान करना चाहिए। दोस्तों गर्मियों में त्वचा पर आंवले के चूर्ण को पानी में घोलकर लेप करने से शरीर की गर्मी निकल जाती है, त्वचा कांतिवान होती है। बालों में भी यह लेप लगाने से बाल चमकदार काले होते हैं और बालों में रूसी यानी कि डैंड्रफ की समस्या दूर होती है। एड़ियों पर लेप लगाने से फटी एड़ियां ठीक होती हैं। दोस्तों आंवले के साथ हरा धनिया पीसकर खाने से भी आंखों के रोग में लाभ होता है। आंवला और चंदन का चूर्ण बराबर मात्रा में लेकर एक एक चम्मच चूर्ण दिन में 3 बार शक्कर और शहद के साथ चाटने से गर्मी की वजह से होने वाली उल्टी बंद हो जाती है। लगभग 1 महीने तक प्रतिदिन सुबह और शाम को आंवले का चूर्ण लेने से स्त्रियों को होने वाला श्वेत पदर नष्ट हो जाता है। आंवला चूर्ण से 2 गुनी मात्रा में गुड़ मिलाकर बेर के आकार की गोलियां बना लें। 3 गोलियां रोजाना लेने से जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। पीसा हुआ आंवला 1 चम्मच 2 चम्मच शहद में मिलाकर चाटें, ऊपर से दूध पिएं। इससे सदा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दिन भर प्रसन्नता का अनुभव होता है। आंवले का चूर्ण दांतों, मसूड़ों, हड्डियों को मजबूत बनाता है। गर्मी से होने वाली शरीर की जलन दूर करता है। दोस्तों इतने सारे लाभों से भरपूर होने के कारण आंवले को अमृत फल कहा जाता है, इसीलिए अपने घर में अमृत फल आंवले का चूर्ण अवश्य रखें। तो दोस्तों ये है हमारा आज का खास टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि रात में 1 चम्मच आंवला चूर्ण खाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो इसीलिए आपको भी हर रोज इसका सेवन करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी।